स्वागत है आपका इनके क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। हम इसको पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है, फिर स्ट्रेस समझेंगे, स्ट्रेंथ समझेंगे, और फिर जो भी इसका बेसिक्स होगा पूरा वो पढ़ेंगे। सबसे पहले चालू करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हम क्या समझते हैं? बेसिकली, अगर हम कोई भी एक मटेरियल कंसिडर करते हैं और उसमें फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हर मटेरियल एक इंटरनल फोर्स लगाता है। हर मटेरियल के पास क्या होता है? एक इंटरनल फोर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस फोर्स। अब ये रजिस्टेंस फोर्स जो भी मटेरियल में डिफॉर्मेशन आता है उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण, उसको रोकने के लिए मटेरियल के अंदर एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है। अब ये रेजिस्टेंस फोर्स कितना मैक्सिमम हो सकता है? तो जितना भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स होगा मटेरियल का, वही उसकी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ हो जाएगी। वही उसकी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ हो जाएगी। और इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो बेसिकली, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि कोई भी मटेरियल है, उसमें जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स को रोकने के लिए मटेरियल के अंदर एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है। अब ये रेजिस्टेंस फोर्स कितना मैक्सिमम हो सकता है, उसी चीज़ को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नाउ, अब हम इसकी टर्म समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है। तो बेसिकली, सबसे पहले हम स्ट्रेस पे आते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेस डिफाइन कैसे होती है। स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हम एक बार कंसिडर करते हैं और उस पर एक फोर्स लगाते हैं एफ। नाउ, अब इस एफ को रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। अब जो भी रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस बोल सकते हैं। स्ट्रेस को हम कैसे फोर्स डिफाइन कर सकते हैं? जो भी रेजिस्टेंस फोर्स होगा पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो, स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिग्मा से। और जो भी हमारा रेजिस्टेंस फोर्स है, एफ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारा स्ट्रेस हो जाता है। कई कई बार इसको पी बाय ए भी लिख देते हैं, क्योंकि पी को हम फोर्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? पी बाय ए। और ये जो पी है, ये कौन सा फोर्स है? रेजिस्टेंस फोर्स। सो स्ट्रेस डिफाइंड एज रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग्स क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया का मीनिंग, जो भी आपका फोर्स लग रहा है उसके जो परपेंडिकुलर, जो भी आपका फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया जो आ रहा है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ, स्ट्रेस की यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पे हमने डिफाइन करा पी बाय ए, वेयर पी इज फोर्स, तो फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। और एरिया की क्या यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर। तो हमारी स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? पास्कल। इसके हम और यूनिट्स देख लेते हैं कि हम इस और यूनिट्स क्या लिख सकते हैं। अदर यूनिट्स देखते हैं। जब हम फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं न्यूटन में और एरिया को जब हम कंसीडर कर रहे हैं एमएम स्क्योर में, तो स्ट्रेस क्या होता है? पी बाय ए, तो वो हो जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्योर। कन्वर्जन देख लेते हैं, पास्कल और न्यूटन पर एमएम स्क्योर में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो इधर देखिए, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्योर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन 10^6 mm^2। 6 इधर चला जाएगा तो 1 न्यूटन पर
एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ तीन चीज होती है, तो 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर को हम, एक होता है आपका किलो, एक होता है आपका मेगा, एक होता है आपका गीगा। ये 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। सो 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, मेगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम पास्कल। सो ये हो जाता है हमारा 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मेगा पास्कल, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, जो कि पूरे सॉल्व में हमको मदद करेगा एक न्यूमेरिकल्स करवाने में। ओके, सो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, जो कि ऑफर करता है उसको डिफॉर्म करने से रोकने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। नाउ अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। अगर किसी भी बार या मटेरियल पे कैसा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, किसी भी बार और मटेरियल पे कैसा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, और उसको कैसे देंगे हम, पी बाय ए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो टेंसाइल स्ट्रेस कब डेवलप होगी, जब आपका जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। तो किसी भी बार पर अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो वो स्ट्रेस कौन सी डेवलप होगी वहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेस। और इसको हम कैसे लेते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस की तरह लेते हैं, इसको हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेस। सो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है हमारी, पॉजिटिव स्ट्रेस। सेकेंड देखते हैं हम, तो सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकेंड क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जब भी आपका जो फोर्स है वो कैसा आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, बस इसको हम कैसी नेगेटिव स्ट्रेस की तरह एक देखते हैं। तो जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव स्ट्रेस होती है, और जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस होती है वो हमारी कौन सी स्ट्रेस होती है, पॉजिटिव स्ट्रेस होती है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सी स्ट्रेस होती है। सो थर्ड हमारी होती है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी किसी बार पर या किसी मटेरियल पे कौन सा फोर्स लगेगा, शियर फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक मटेरियल है जिस पे कैसा फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, तो उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी क्या होगा, शियर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी भी यूनिट वही होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो हमने तीन तरह की स्ट्रेस पढ़ी है। सबसे पहला पढ़ा हमने टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, जो पॉजिटिव स्ट्रेस होती है जो कि टेंसाइल फोर्स के कारण डेवलप होती है। दूसरा हमने पढ़ा कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कि नेगेटिव स्ट्रेस होती है और जो कि कंप्रेसिव फोर्स के कारण डेवलप होती है। और थर्ड हमने पढ़ी शियर स्ट्रेस, जो कि शियर फोर्स के कारण डेवलप होती है।